दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू उस कंपनी का अगले दिन का अपर टारगेट और लोअर टारगेट हो सकता है। और दोस्तों आपको कौन से दौलेवेज पे ध्यान रखना है आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से लगे दोस्तों यहाँ तक पूरा का पूरा आज का दिन का कैंडलस्टिक पॉइंट का ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। और पिछले चार पाँच दिनों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें डाउन नजर आ रहा है, ठीक है। लगातार से नीचे की ओर चलाया जा रहा है, ठीक है। तो बात करेंगे इसका लास्ट ब्लास्ट तो कैंडलस्टिक पॉइंट उसके बारे में, ये वाला जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेटर है। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक कवरेज में थोड़ा बहुत ऊपर की ओर तेज देखने को मिल सकता है अगले दिन, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखते हुए इसका टारगेट के बारे में बात करें तो 13.50 रुपीज़ रहेगा इसका अपर टारगेट और लोअर टारगेट रहेगा 13 रुपीज़ के आसपास। आपको इन दो लेवल्स पे ध्यान रखते हुए अगले दिन चलना है। इसके बाद भी दोस्तों पहले एनालिसिस करना फिर पैसा लगाना। बाकी वीडियो से एडुकेशन पर स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।